ओसी के इंटरेस्टिंग एपिसोड में। तो फाइनली गाइस वी आर गोइंग टू टाउन हॉल 12 एंड अभी मैं अपग्रेडिंग पे लगा चुका हूँ। ये 12 डेज एंड 13 ओवर का जो टाइम पीरियड है ये मैं रुकने वाला हूँ, बिकॉज एक इवेंट आने वाला है उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये पूरा मैं वेट करने वाला हूँ। एंड जो आज का टॉपिक है वीडियो का गाइस, जो कि आपने थंबनेल में देखा गाइस, पिकाचू का जो काफ़ी ज़्यादा क्यूट बेस था उस पर मैंने अटैक किया था। एंड यार गाइस वो बेस मेरे को देख कर यार दिल जीत लिया था यार बेस ने। चलिए यार फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको उसका रिप्ले दिखाता हूँ। यार इतना प्यारा बेस था, मतलब मजे आ गए थे गाइस देख करके। सो मैंने अटैक किया था। एंड गाइस अगर मैं अभी पॉज करूँ तो गाइस ये देख सकते हैं पिकाचू इन्होंने बना रखा है। एंड काफ़ी अमेजिंग लुक लग रहा है यार इस पिकाचू का। एंड डैम श्योर काफ़ी अमेजिंग लुक है। एंड काफ़ी अच्छा बेस था ये, सारे डिफेंसेस मैक्स थे। हम TH11 थे, ये TH12 मैक्स था। एंड हमने इस पर अटैक लिया, पता नहीं 3 स्टार कैसे हो गया, बट 3 स्टार अटैक गया। एंड चलिए मैं प्ले करके आपको अटैक दिखाता हूँ। मैंने इस तरफ से अटैक किया, पहले जाइंट से थोड़ा फनलिंग क्रिएट करा, फिर पीछे से विचर डालकर चारों तरफ से मैंने बॉलर को स्पैम कर दिया, क्योंकि स्प्लैश डैमेज देने वाले थे बॉलर, तो इजीली सारे आर्चर टावर क्लियर हो गए। फिर भी मैंने हीरोज भी यहीं डाउन कर दिए, तो पूरा एक कॉर्नर साइड से अटैक दिया। अटैक पूरा गोल घूम के गया, आधा अटैक मेरा इस तरफ आ गया, आधा अटैक मेरा इस तरफ, तो डबल साइडेड अटैक हो गया था ये ऑटोमेटिकली। मैंने कुछ किया नहीं, मैंने सारा एक तरफ स्पैम किया। एंड ये क्रश करते गए। एंड ये बेस देखकर मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा बेस था ये, एंड काफ़ी मस्त भी था। एंड इस पर अपन ने अटैक किया एंड ये 3 स्टार भी हुआ। एंड 24 ट्रॉफीज ओवर था टाइटन 2 में, इट्स गुड ऑफर। एंड 24 ट्रॉफीज ले लेना। एंड लूट भी काफ़ी अच्छी थी, आप देख सकते हो यार ऑलमोस्ट यार 4000 डार्क लिक्जर था। एंड यहाँ पर मैंने यूज़ कर ली अपनी ग्रैंड वार्डन एबिलिटी। यहाँ नीचे से भी आप देख सकते हो अटैक जा रहा है बिल्कुल सही। एंड अपर साइड भी क्लियरिंग चल रहा है। इधर काफ़ी ज़्यादा स्केलीज के ट्रैप आ गए थे, बट हमारे पास भी विचेस थी, तो स्केली वर्सेस स्केली ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाते। एंड देन सबसे बड़ा इशू था ईगल आर्टिलरी, काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे रही थी, तो उसको डाउन कर दिया था बॉलर्स ने। एंड बाकी क्वीन इनसाइड द बेस जाकर क्रश कर रही थी उनकी चीज़ों को, एंड जो पिकाचू था उसको तोड़ रही थी। एंड बाकी तो दोनों साइड से अटैक चल रहा था, डबल साइडेड बॉलर आ चुके थे। एंड यहाँ पर मेरे को लगा था अभी, क्योंकि क्वीन का एबिलिटी भी बाकी था एंड काफ़ी ज़्यादा बॉलर अलाइव थे, तो यहीं से पता पड़ गया था ये 3 स्टार होने वाला है। एंड काफ़ी ज़्यादा मैक्स आउट बेस था, बट अपन ने 3 निकाला इस बेस पे एंड काफ़ी अच्छे से 3 स्टार निकाला। बट यार गाइस मैं तो फैन इस बेस का हूँ यार, कितना अच्छा बेस है। आपको कैसा लग रहा है? अभी भी अगर आप देखोगे तो यार गाइस पिकाचू का मतलब क्या लुक आ रहा है ना, सीरियसली मतलब मजे आ गए। तो बस ये अटैक रिप्ले मेरे को आप सभी के साथ शेयर करना था। आपको कैसा लगा ये अटैक एंड ये बेस कमेंट करके जरूर से बताना। वीडियो को एक थम्स अप दे देना, लाइक का बटन दबा देना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते ऐसे ही अगली वीडियो में क्लैश ऑफ क्लैंस की, तो यार सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय टाटा, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड।